केमिस्ट्री एंड। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ना अब तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, हमने देख लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, हमने देखा था कि प्रेशर से रिलेटेड अगर हम कुछ चीज लिखेंगे तो क्या होता है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्या चीज अब तक पढ़ ली है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक ए है जो कि प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है, तो उसका अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रेट लिखना हो तो उसका रेट लॉ लिखने का जो तरीका होता है रेट लॉ, अब रेट लॉ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू वन। ये तो इसका हो गया था रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। अगर मुझे इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा था कि के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट दैट मोमेंट 18। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ देयर आर मेनी रिएक्शंस जो कि होने चाहिए थे हायर ऑर्डर के, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिहेव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरह, उनको कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम लेते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। नाउ मान लो मेरे पास एक शुगर है C12H22O11। अब अगर मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ या वाटर लेता हूँ और अगर मैं इसका रिएक्शन देखता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे मिलकर मिलने वाला C6H12O6 + C6H12O6। अब जिसमें से एक जो होगा आपका ग्लूकोज हो जाएगा वन ऑफ द आइसोमर, दूसरा जो होगा वो आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा सेकेंड आइसोमर। नाउ इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, या इसको शुगर की जगह हम इसको केन शुगर भी कहते हैं, केन शुगर। नाउ इस फॉर्म इस प्रोसेस में आप अगर एक चीज नोटिस करो, अगर कोई नॉर्मल इंसान से अगर मैं पूछूं बताओ इसका रेट लॉ लिखो, रेट लॉ क्या है, तो आप लिखोगे रेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के, ठीक है ना, के को, या माइनस अगर मैं वहां से हटा दूं, के लिखोगे इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 रेज टू वन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू वन। क्योंकि हमने पढ़ा है अब तक का मेरा फंडा कि इसके आगे का जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है या इसके आगे का जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो वहां पर ऑर्डर में चला जाता है। तो मुझे बताओ इसका ये जो रेट लॉ है हम इसको कह देते हैं एक्सपेक्टेड रेट लॉ, ये आपकी एक्सपेक्टेड रेट लॉ होनी चाहिए। उस हिसाब से जो आपका ऑर्डर निकल के आना चाहिए, ऑर्डर कितना होना चाहिए 1+1, सो दैट हैज टू बी 1+1। तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होना चाहिए, इट शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता नहीं है, इसका रीजन क्या है? इसका एक सिंपल रीजन ये है कि यहां पर आपने जो पानी को यूज किया है, ये पानी यहां पर ड्यूअल रोल कर रहा है। एक तो ये रोल करता है सॉल्वेंट का, एज वेल एज ये रोल कर रहा है रिएजेंट का, क्योंकि पानी वहां पर शुगर को डिजोल्व करने के लिए भी यूज हो रहा है जो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज बनेगा। ये पूरा रिएक्शन वाटर में कैरी आउट किया जा रहा है, इट्स एन एक्वियस रिएक्शन। एज वेल एज पानी वहां पर जो प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने का भी काम कर रहा है। तो आप इस वाटर को क्या करते हो, आप इस वाटर को एक्सेस अमाउंट में लेते हो, आप इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लेते हो कि इस रिएक्शन के दौरान अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि रेट बदलेगा जब कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आपने ये वाले कॉन्सेंट्रेशन को इतना ज्यादा ले लिया है, पानी को आपने इतना एक्सेस में ले लिया है कि अगर वहां पे थोड़ा बहुत वाटर रिएक्ट हो भी जाता है तो मैं कहूंगा प्रैक्टिकली अमाउंट ऑफ वाटर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉन्स्टेंट। तो मैं कह सकता हूं सिंस वन ऑफ योर रिएजेंट ओवर योर वाटर इज इन एक्सेस अमाउंट, इज एन एक्सेस अमाउंट, तो सिंस वाटर एक्सेस अमाउंट में है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल। आप उसको नेग्लिजिबल कह सकते हो, यूं कह सकते हो कि उससे उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह कुछ कॉन्स्टेंट सब्सटीट्यूट कर सकते हो। लेट अस से मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं K-. अब मुझे बताओ जो मेरा मॉडिफाइड रेट लॉ होगा, मॉडिफाइड रेट लॉ वो क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, रेट कॉन्स्टेंट हमारा तो ओरिजिनल रेट कॉन्स्टेंट था के, फिर क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह मैं क्या कर दूंगा, कोई कॉन्स्टेंट सब्सटीट्यूट कर देता हूं K-, तो के इंटू K-, तो हम यहाँ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं K" के साथ, दैट विल बी योर न्यू कॉन्स्टेंट, न्यू रेट कॉन्स्टेंट, करेक्ट। तो अब आपकी रेट क्या हो जाएगी K" और किस पे डिपेंड करेगी C12
H22O11 पर, और उसका ऑर्डर क्या है, उसका है 1. सो अब मुझे बताओ न्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1. तो होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर का, पर हो गया है फर्स्ट ऑर्डर का. ऐसे टाइप के रिएक्शंस को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर. मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये नकली फर्स्ट ऑर्डर है, एक्चुअली में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. बट सिंस आपने वन ऑफ द रिएजेंट को बहुत एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, और उस रिएक्शन के दौरान अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ भी जाता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज नेग्लिजिबल, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. सो वन ऑफ द एग्जांपल विल बी इन्वर्जन ऑफ शुगर. वी अनदर एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट. तो ये लिख लिया आपने, रब कर दूं. सो द नेक्स्ट विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट. मिथाइल एसीटेट. नाउ मिथाइल एसीटेट का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो उसका फार्मूला हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O CH3. अब अगर इसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाऊँ एक्वियस रिएक्शन में, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ से OH, और ये जो है यहाँ से एक निकल जाएगा, मुझे मिलेगा सॉरी यहाँ पे OH आ जाएगा, एंड वाटर विल बी गेटिंग विल बी CH3OH, मुझे मिथेनॉल मिलेगा एंड मुझे यहाँ पर ये एसिड मिल जाएगा. नाउ दिस इज द रिएक्शन दैट आई गेट. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस रिएक्शन के दौरान अगर कोई तुमसे पूछे एक्सपेक्टेड रेट लॉ बताओ, एक्सपेक्टेड रेट लॉ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO CH3 रेज टू 1, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक 1 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, वाटर रेज टू 1. तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था 1+1, कितना आ जाएगा 2. सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड ऑर्डर. बट अनफॉर्चुनेटली सिंस आपने यहां पर वाटर को एक्सेस क्वांटिटी में लिया है, वाटर इज प्लेइंग अ ड्यूअल रोल ऑफ अ रिएजेंट प्लस इट्स प्लेइंग अ ड्यूअल रोल ऑफ अ सॉल्वेंट. तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बहुत हाई है, एक्सेस में है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल थ्रू आउट द रिएक्शन, नेग्लिजिबल इन रिएक्शन. सो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह कुछ K- को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, K- स्टैंड्स फॉर सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है. तो जो न्यू रेट लॉ होगी, न्यू रेट दैट विल बी इक्वल टू K, दैट वॉज योर ओरिजिनल K, ये जो यहाँ का ओरिजिनल K था, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO CH3 रेज टू 1, क्योंकि उसके आगे का स्टोइकोमेट्री 1 था, और जहां वाटर था उस वाटर की जगह क्या आ जाएगा, K- इनटू K- क्या आ जाएगा, K" हो जाएगा, बचेगा कौन, CH3 COO CH3 रेज टू 1. अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर अब आ गया है 1. तो होना क्या चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर, और है क्या, फर्स्ट ऑर्डर. ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. नाउ जितने भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो सारे काइनेटिक्स फॉलो करेंगे जो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. मतलब कहीं पे अगर वहां वो लिख देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब वहां पे कोई नया फॉर्मूला आएगा, ऐसा नहीं है. सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी और एक्चुअल नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आप ये दोनों ही फॉर्मूला यूज करोगे, स्पेशली इंटीग्रेटेड रेट लॉ के न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करना है. एवरीथिंग विल बी सेम, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि यहां पर ये होना चाहिए था हाइयर ऑर्डर का, पर बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर का. सूडो वर्ड का मतलब ही होता है नकली, नकली का मतलब होता है एक्चुअल वो सेकंड ऑर्डर है बट बिहेव वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह कर रहा है. ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, छोटा सा टॉपिक था. इनके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक कर देना, बेल आइकन बटन को भी दबा देना, एंड प्लीज जितना हो सके वीडियोस को शेयर करो, शेयर करने से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा. बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.